अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं वीडियो में ऐसी ही बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ मसला ये हो रहा है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर बाद में मुझे बाय वॉइस ओवर नहीं होता क्योंकि अब घर के काम भी इतने होते हैं, ऊपर से अब मेरी बॉडी भी जवाब दे रही है, स्टेमिना मेरा बहुत ज़्यादा लो हो गया है। तो मैंने कहा चलो ऐसी ही वीडियो बना रही हूँ, ऐसी बात कर लेती हूँ आज। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर है तबस्सुम क्वीन, शायद उनका पहला नाम था, फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया, अब यासमीन रखा है। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, व्हाट्स इन माय बैग। तो ये है मेरा बैग, मुझे बैग फेटिश है, मैं इतने ज़्यादा मेरे पास बैग्स है और मुझे बैग लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। शादी से पहले तो कुछ ज़्यादा ही पसंद था, अब चॉइसेस काफ़ी चेंज हो गई है मेरी, तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है ऑब्वियसली। तो पर मेरा सारा सामान पाकिस्तान में पड़ा है। असल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना सारा सीन जो मेरे साथ हुआ था। मैं आई थी यहाँ टेम्प्ररी, लाइक मैंने वापस जाना था पाकिस्तान, बट बीच में मैंने कंसीव कर लिया, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे परमिशन नहीं दी तो मैं जी पंस के यूई में। तो मैं बहुत थोड़ा सा सामान लाई थी अपने साथ और वही एक ये वाला बैग लाई थी क्योंकि ये शादी से पहले मेरे बाबा लाए थे, वो इंग्लैंड गए थे घूमने तो फिर इंग्लैंड से ले आए थे मेरे लिए। ये हेरिड्स ब्रांड का है, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये काफ़ी कन्वीनियंट है। ये इसकी लॉन्ग स्ट्रिप है, स्ट्रैप है, स्ट्रिप नहीं, और ये डिटैच भी होते हैं, दो कंबाइन है, इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं और कंबाइन भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली। ये ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये डिटैच हो गया, तो इसको हम सेपरेट एक को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल निकाल दिए स्ट्रैप, इसको हम एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो ये बैग मैंने मैंने इसकी डिक्लटरिंग नहीं की, जो है जैसा है रॉ ही दिखाऊंगी मैं आपको, और मुझे ख़ुद भी पता चले ज़रा कि इसमें पड़ा क्या है और सफाई भी हो जाएगी क्योंकि बस ये हैंग वो हुआ होता है रूम के डोर के साथ, तो बस जैसे ही जाना होता है तो बस मैं पहन लेती। तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैंड सैनिटाइज़र, तो ये जस्ट फैशन के लिए है क्योंकि कभी यूज़ तो नहीं किया मैंने, अभी चल लेते हैं चलो। तो ये मैंने ये अटैच किया इधर, डिटोल का सैनिटाइजर। अब पहले ये देखते हैं अंदर से कि इसके अंदर क्या है, इसको खोलते हैं। सबसे पहले टिश्यूज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये टिश्यूज हैं जो कि ख़त्म होने वाले हैं, यहाँ रखती हूँ ताकि नज़र तो है। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड ने सेफोरा से शॉपिंग की थी मेरे लिए, तो उनको एज अ गिफ्ट मिला था, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, पेन परफ्यूम, बहुत फ्रूटी फ्रूटी सी स्मेल है इसकी। तो ये ऐसे ही पड़ा होता है, यूज़ तो मैंने कभी नहीं किया। उसके बाद है दूसरा, ये मैंने पाकिस्तान में लिया था मिनीसो से, तो जेंटल ब्रीज नाम है इसका, ये भी काफ़ी फ्रूटी है, इसकी स्मेल बहुत प्यारी है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत मज़े की है, ये जेंटल ब्रीज नाम है इसका, तो ये भी बहुत कम यूज़ होता है। के बाद देखते हैं, अच्छा ये कॉन्टैक्ट लेंजेस केस है, कॉन्टैक्ट लेंजेस मैं बहुत कम पहनती हूँ बट जब पहनती हूँ तो ये मस्ट होता है क्योंकि अक्सर इरिटेशन हो जाती है, तो इसमें पानी है जो कि मैं फ्रेश रिफिल करती हूँ, ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए उधर ही पड़ा रहे, तो ये फ्रेश वाटर जो कॉन्टैक्ट लेंजेस का होता है, ये लगाने और पता नहीं निकालने वाली, और ये केस है मिरर है, आई
आई एम स्टक ऑन यू। तो ये केस ये हमेशा ही पड़ा होता है, क्योंकि अब मैं पहनती तो नहीं हूँ लेंजेस, इरिटेशन होती है मुझे। बट अच्छा, ये है एक दी बॉडी शॉप का टेंट, क्योंकि मैं मुझे वो उसकी आदत है लाइक लिप्स को चीरने वीरने की बहुत गंदी आदत है मुझे, तो लिपस्टिक मेरी बहुत जल्दी चली जाती है, तो ये पड़ा होता है। ये इसका पिंक कलर है, पिंक हिबिस्किस 001। ये पिंक हिबिस्किस मेरा फेवरेट है बॉडी शॉप का। तो ये है एक टेंट। इसके बाद देखते हैं, हाँ एक ये है NYX की लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक है केन्स, इसका शेड है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था एक ज़माने में ये शेड कलर, तो लाइट सा कलर है। यहाँ पे तो डार्क लग रहा है बट लिप्स पे लगाएं तो बहुत नेचुरल लगता है। तो एक ये है। उसके बाद चलिए ये, अच्छा मैं जब शॉपिंग करती हूँ ना तो मुझे ये पढ़ने की आदत है, एक रात को मैं अपने बेड के पास रख देती हूँ, फिर मैं एक एक चीज़ देखती हूँ, ये कितने का लिया है, ये कितने का लिया है। तो ये सारा बेबी का सामान है, बेबी रैप वगैरह, इसकी स्टेप है। ये देखते हैं क्या है, लुलू ग्रोसरी शॉपिंग। ये लुलू, अच्छा ये मुझे वो मिला था हेयर स्ट्राइलर पे 43% ऑफ, तो था वो 45 dirhams का, वैसे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो ज़रूरत नहीं लिया ही नहीं। उसके बाद और अच्छा ये है यास मार्ट, यहाँ से हमने अच्छा घर का सामान लिया था। ये है, ये भी यास मार्ट है, ये बेबी का सामान लिया था। तो ये मैं आपसे सारा शेयर करूँगी बेबी का सामान, इतना बता दीजिए उनको स्टाइल लग रहा है कुछ ज़्यादा। और है इसमें अमरूद टॉफी, पाकिस्तान से मंगवाए थे मैंने, एक तो खा ही लूँ, इस तरह के होते हैं, अंदर इसकी चूरन होता है आमचूर, तो को पेंग दूंगी मैं। और है इसमें पता नहीं कौन से ज़माने का ग्लव पड़ा हुआ है इसमें, हाँ ये उस दिन मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी ना, तो जो उस दिन मैंने पहना था लाइक 2-3 दिन पहले, तो कर रही बैग साफ हो गया मेरा। ये कुछ टूटे पैसे हैं 5 dirhams, ये बहुत काम आते हैं 5 dirhams वाले, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दिए थे कि अपने पास रखो, तो ये उनके इसलिए मैंने अलग से रखे। और ये इधर क्यों रखा है मैंने, ये मेरा, ये मेरा अल्ट्रासाउंड स्कैन होना है, कब होना है, 1 को होना है, बट डॉक्टर ने मुझे बोला था 6 को, ओ शिट है तो मैंने भी देखा है। अच्छा 1 अप्रैल को मेरा ये स्कैन होना है 6 बजे, ग्रोथ स्कैन, तो टेंशन भी बहुत हो रही है, अल्लाह खैर करे। उसके बाद एक और टॉफी, तो अभी अंदर जिपर में देख लेते हैं छोटा सा है, इधर क्या है, इधर है व्हाट, ये इधर क्यों रखा है मैंने, ये है मेरा यूई का आईडी कार्ड, रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड, ये मैं कैसे दिखाऊँ, ये रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड,
वैसे आप लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता होगा ना कि मेरा नाम क्या है। मैं बताऊंगी मैं इंशाल्लाह, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना, ना बताना। और ये दो क्लिप्स, ये मेरा साइन है सेजिटेरियस, और ये छोटी सी क्लिप, ये तो ये अब खाली हो गया है। अब देखते हैं ये कि इसमें क्या है। इसमें एक वॉलेट है, ये मैं दिखाती हूँ बाद में। दूसरा टेंट बॉडी शॉप का डार्क चेरी, ये डार्क एक का बहुत कम लगाती हूँ मैं दिखा देती हूँ ना। ये वो पिंक हिबिस्किस वाला है ये, और ये है डार्क चेरी। कितना डिफरेंस है दोनों में, तो ये बहुत कम लगाती हूँ मैं। डिंग डोंग, पोनीज जो कि बहुत काम आती है, ये ब्लैक, और ये की है बाहर वाली, ये दो पोनीज हैं। और इसके जिपर में देख लेते हैं क्या है। तो ये जो मैंने सिम ली थी यूई वाली वो है, और ये जब मैं इधर आ रही थी, ये मैंने लाइक एयरपोर्ट के लिए या जहाज़ के लिए एहतियात में रख दी थी। ये है फैक्सिट एंटी एलर्जिक, क्योंकि मेरा कोविड टेस्ट होना था, उसके बाद मुझे एलर्जी तो मस्ट होनी थी, तो इसलिए मैंने ये रखी थी। ये है पॉन्स्टन, क्योंकि मेरी रात की फ्लाइट थी और मुझे हेडेक होता है काफ़ी ज़्यादा फिर माइग्रेन, तो इसलिए पॉन्स्टन। और ये अल्लाह ना करे अगर पेट ख़राब हो जाए तो उसके लिए क्लेजल, बट यूज़ नहीं हुई तो अभी तो यूज़ होनी भी नहीं है, अभी तो फ़ायदा ही नहीं है इनका। अच्छा, ये मैंने परफ्यूम लिया था नार्सिसो का, तो उसके साथ मुझे मिले थे ये होगो बॉस, और ये इसका नाम ही मिट गया है इसका, आई थिंक वो था, पता नहीं अब मुझे याद नहीं आ रहा। इसकी बहुत मज़े की फ्रेगरेंस है, दोनों की मज़े की है। तो ये सैम्पल साइजेस है, बट संभाल के रखे हैं मैंने, काम आ जाते हैं। और है इसमें लास्ट एंकलेट। अच्छा, मैं लाइक काफ़ी तैयारी के साथ आई थी यूई कि बहुत इंजॉय करूँगी, ये पहनूँगी वो पहनूँगी, और इधर आते साथ ही मैंने कंसीव कर लिया, तो उसके बाद मेरा ना स्टेमिना रहा ना कहीं जाना रहा, तो बहुत मज़े की एंकलेट आई है, पहनी ही बहुत अच्छी लगती है। तो ये रही एंकलेट, और अब मैं दिखाती हूँ ये वॉलेट। ये नॉटिका का ऑल वॉलेट है, काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था मैंने, बस अच्छा है। ये डॉगी, ये मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से चुराया था, उनका था, फिर मैंने ये हस्बैंड को बोला है कि ये मुझे चाहिए, तो कहते हैं ले लो डॉगी। और ये घर की की, तो लास्ट टाइम हम जिस घर में रहते थे उसकी की मैंने घुमा दी थी, तो अब इधर अटैच होती है ताकि घूमे ना। तो ये है मेरा हबीब मेट्रो कार्ड पाकिस्तान, जो इधर भी यूज़ हो जाता है क्योंकि ये वीज़ा कार्ड है। और अंदर देखते हैं क्या है। सॉरी, मैं टॉफी खा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड की पिक्चर ये एक और कार्ड, नाम आई थिंक आप लोगों ने देख लिया वैसे में। ये क्या है। अच्छा, ये मुझे डॉक्टर ने वो बताई थी क्रीम अपनी फिंगर्स के लिए, वो है। और ये मेरे हस्बैंड का एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड मेरे पास ही होता है, यूज़ मैं नहीं करती बट खुश होती हूँ देखकर। ये मेरा पाकिस्तान का आईडी कार्ड। क्या क्या दिखाऊँ, सब कुछ छुपाना पड़ता है इसमें। पाकिस्तान का आईडी कार्ड,
और अब इधर तो सारी बस पैसे ही है और कुछ नहीं। तो ये रहा मेरा व्हाट्स इन माय बैग, ये सारा सामान था। तो शुक्र है सफाई भी हो गई। और मेरी ये जो सब्सक्राइबर है यास्मीन, इनका मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ, क्योंकि आई नो मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसी भी वीडियो बनाती हूँ बना लेती हूँ बस, बट उन्होंने हर वीडियो पे कमेंट करना होता है और अप्रिशिएट करना होता है। आई नो उनको पसंद आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता, बट वो अप्रिशिएट करती है और मुझे इतनी खुशी होती है, मैं हस्बैंड को दिखा रही होती हूँ ये देखे। और दूसरी बात, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मुझे पड़ी होती है उनके कमेंट का कि वो कमेंट कब करेंगी, वो कमेंट कब करेंगी, क्योंकि अभी 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 मैंने स्टार्ट की है व्लॉगिंग, तो अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसे कोई अप्रिशिएट करेगा मुझे, और वो इंडिया से हैं। तो थैंक यू सो मच यास्मीन। और बस अगर आगे आप लोगों के कोई भी वो हो, आप लाइक कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं या इंट्रोडक्टरी वीडियो या कुछ भी, आप क्वेश्चन मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर्स कर दूंगी। और बस मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।